तो आज मैं आपको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मनी एड्रेस, जिसमें आप खेल के रियल मनी विन कर सकते हो। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको मनी एड्रेस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी, और आप इसको डायरेक्टली जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप सीधा प्ले स्टोर पर जाके पहले इसे डाउनलोड करो और उसमें जाके आपको साइन इन करना है और अपना यूजर नेम बनाना है। मनी एड्रेस में आपको ब्रिक गेम खेलना है, जितने बार आपका ब्रिक टूटेगा उतनी ज्यादा आप अर्निंग करोगे, और आप विनिंग अमाउंट पेपाल के जरिए विड्रॉ भी कर सकते हो, और आप इसमें अपने फ्रेंड्स को रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हो। बस आपको अपना रेफर यूआरएल कॉपी करना है, तो अगर उस रेफर कोड के जरिए आपका फ्रेंड आ जाता है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, और आप उस रेफर लिंक को सब व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप में डाल के किसी को भी इन्वाइट कर सकते हो। स्क्रीन पर आप देख सकते हो गेम चल रही है, और जैसे जैसे आप विन करोगे आपका विनिंग अमाउंट ऐड होता जाएगा। मतलब मुझे पर्सनली तो इतना हार्ड गेम नहीं लगा, और मुझे आसान लगा तो आप लोगों के लिए खेलना और ज्यादा आसान होगा। तो इसलिए जाओ डाउनलोड करो मनी एड्रेस, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग एक पॉजिटिव रिव्यू भी इस एप्लीकेशन को देके आ सकते हो, सो गो एंड डाउनलोड। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर के नए स्पॉइलर्स आ चुके हैं, और ये कुछ पेजेस ही सामने निकल के आए हैं। इसकी पूरी मांग आएगी 20 या 21 तारीख को हमारे चैनल पर। इस स्पॉइलर में कुछ सवालों के जवाब मिले हैं, जैसे बारडॉक ने सीरिलियंस को क्यों खत्म किया, और अगर किया तो ग्रेनोला को क्यों बख्श दिया, और सेंस और फ्रीजा का इस प्लेनेट से क्या लेना देना था। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। स्पॉइलर्स के ट्रांसलेशन के लिए डीबी स्पॉइलर्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप लोग उसे इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हो। स्पॉइलर से पता लगता है मोनाइटो प्लेनेट सीरियल के इतिहास में चला जाता है, और वो बताता है 40 साल पहले आखिर हुआ क्या था। चैप्टर का जो नाम है वो है बारडॉक द फादर ऑफ गोकू। 40 साल पहले एक हंसता खेलता प्लेनेट था, जहां सीरिलियंस और नेमेकियंस हंसते खेलते रहा करते थे। पेजेस में पता लग रहा है नेमेकियन सीरिलियंस को पानी के बदले सब्जियां दे रहे हैं, और सीरिलियंस पानी के बदले नेमेकियंस से सब्जियां ले रहे हैं। ये उनका आपसी ट्रेड करने का एक तरीका था। लेकिन फिर हम देखते हैं एक नेमेकियन फुल मून को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है कि आज फुल मून की रात है, और चांद की भी अपनी एक शक्ल होती है। अब मोनाइटो यहाँ क्यों घबराता है उसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या मोनाइटो को पहले से इस बात का एहसास था कि फुल मून की रात प्लेनेट सीरियल के लिए अच्छी नहीं होने वाली? क्या उसको पता था कि आगे कुछ बहुत खराब होने वाला है? फिर हम अचानक देखते हैं कि आसमान से लगातार कैप्सूल्स, जिससे फ्रीजा और सेंस ट्रेवल किया करते थे अपने यूनिवर्स में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के लिए, वो आके प्लेनेट सीरियल से क्रैश लैंड करने लगते हैं, और वो तादाद में इतने ज्यादा होते हैं कि उनके क्रैश लैंड करने के वजह से उनके शहर को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अब सारे उस प्लेनेट के लोग सहम से जाते हैं कि आखिर ये आसमान से नीचे क्या गिरा। सब नेमेकियंस जाके देखने लगते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। फिर उसके अगले पेज में हम देखते हैं अचानक वो हंसता खेलता माहौल पूरा बदल सा जाता है। 3-4 सेंस काफी ज्यादा रेज में रहते हैं। मोनाइटो भी यहाँ कहता है अचानक ये लोग कहाँ से आ गए प्लेनेट पर। उसको भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। फिर हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि हाँ, सेंस ने तो प्लेनेट सीरियल को तबाह किया, क्योंकि पेजेस से तुम अंदाजा लगा सकते हो सेंस काफी रेज में है, और सीरिलियंस और नेमेकियंस अपनी जान को छुड़ा के भाग रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है, फिर मोनाइटो ये क्यों कह रहा है कि सेंस ने हमें मारा नहीं, बचाया, जबकि पेजेस में मामला कुछ और ही दिख रहा है। आप लोग भी बताओ कमेंट बॉक्स में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मोनाइटो कहता है हम सीरिलियंस और नेमेकियंस तादाद में इतने ज्यादा कम होते हैं कि उस प्लेनेट पर सेंस को हमें खत्म करना इतनी बड़ी बात नहीं होती। माफी मांगता हूँ, मैंने सेंस का नाम लिया यहाँ, लेकिन उसका यहाँ यही कहना है कि जो लोग भी उन्हें खत्म करने आए थे उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। फिलहाल एक बात का गौर करना इस स्पॉइलर में, मोनाइटो अब भी यहाँ ये नहीं कह रहा कि सेंस लोग जो आए थे वो नेमेकियंस और सीरिलियंस की जान के पीछे पड़े थे। वो बार बार कुछ लोग का जिक्र कर रहा है, और पेजेस में भी हमें साफ दिख रहा है कि सेंस ही ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन पर है। फिर हम देखते हैं सारे नेमेकियंस और सीरिलियंस को एक जगह पकड़ के बैठाया जाता है, और चारों तरफ से उनके ऊपर गोलियां दाग दी जाती है। लेकिन एक नेमेकियन उस झुंड में नहीं होता, वो अलग से चलता हुआ आता है अपने सबसे बुजुर्ग नेमेकियन के पास। देखता है कि सारे लोग मर चुके हैं और कुछ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। एक दूसरा नेमेकियन जिसकी आखिरी सांसें चल रही होती है, वो मोनाइटो को कहता है मैं ये ड्रैगन बॉल तुम्हारे भरोसे करता हूँ मोनाइटो। फिर उसके बाद शायद वो नेमेकियन भी अपना दम तोड़ देता है, और मोनाइटो कहता है कि अब वो अकेला ही नेमेकियन जिंदा रह चुका है। और दूसरी जगह पर सीरिलियन सारे सेयन लोग को रोकने में लगे हुए थे। फिर उसके अगले पेज में हम देखते हैं बारडॉक को, और यहाँ तुम देख सकते हो बारडॉक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहा है, और काफी लोगों के घरों को उजाड़ रहा है। वो जैसा लग रहा है कि वो कुछ तो ढूंढ रहा है, किसी की तलाश में है वो। और एकदम आखिरी में हम पेज में देखते हैं उसे एक भागता हुआ
लड़का दिखाई देता है जो हो सकता है कि ग्रेनोला ही हो, और उसे देखकर वो थोड़ा सा सोच में आ जाता है। अब मैं यहाँ दो चीज सामने रखूंगा, या तो बारडॉक ने इसके बाद ग्रेनोला को फॉलो किया, उसने देखा एक छोटा सा लड़का अपनी माँ के पास गया ऐसी सिचुएशन में जब सब अपनी जान बचा रहे हैं, और उसे अपनी फैमिली भी उस छोटे लड़के में दिखी हो, तो इसलिए उसने ग्रेनोला को बख्श दिया हो। या फिर मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा होना जरूरी है, या फिर बारडॉक शायद और ज्यादा पास्ट में जा सकता है अपने खुद के बचपने में, जहाँ उसके साथ भी बचपने में ऐसा कुछ हुआ हो। और एक मिनट, हम बारडॉक को सिर्फ इससे जानते हैं कि वो गोकू का फादर है और फ्रीजा के लिए काम करता था, लेकिन उससे आगे उसका पास्ट हम कुछ नहीं जानते हैं। और बारडॉक का पास्ट में जाना ही एक की पॉइंट बनता है आने वाली ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरीज और प्लॉट के लिए एक रास्ता बनता है, जहां वो यामोशी तक की स्टोरी को जैसे तैसे लेके आ सकते हैं। तो यहां दो चीज है, या तो बारडॉक अपने बचपने की कुछ स्ट्रेटजी याद कर रहा है, या तो फिर उसको अपनी उस वक्त की करंट फैमिली के साथ क्या होने वाला है वो याद आ गया हो। अगर दोनों नहीं हुआ तो मामला कुछ और ही होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल में ये भी जानना है कि बारडॉक का आखिर पूरा पास्ट क्या था, और ये मांगा आने वाली जो मांगा है इसमें स्टोरी पूरी पास्ट को लेके ही होगी। आखिरी के दो तीन पेजेस में शायद तुम्हें दिखा दिया जाए कि ग्रेनोला का क्या रिएक्शन था ये सब सुनने के बाद और पता चलने के बाद। ये कुछ ही पेजेस थे, सारे पेजेस बाहर निकल के आएंगे 21 तारीख को। खैर, अभी काफी सवाल के जवाब राजी है, तो वीडियो को लाइक करो जिससे हम और ज्यादा मोटिवेट होते रहे, और आप लोग के लिए ऐसे ही स्पॉइलर की वीडियो लेके आते रहे, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो जिससे आप लोग 21 तारीख की वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। और जाके मनी एट्रेस को डाउनलोड करो और एक अच्छा सा रिव्यू डाल दो जिससे वो भी खुश और हम भी खुश। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।